रथ चक्रवालः ज्योत्स्नाभिरामः दभिर्हृदयान्धकारः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत शिखर श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में कोटि 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 वंदन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा सदैव जयुक्त हो। उपस्थित नवीन प्रभु जी समस्त उपस्थित वैष्णव वैष्णवी आप सभी को यथायोग्य दंडवत अर्पण करता हूं। अभी गुरुदेव की दिव्य सरस कथा आप लोगों ने सुनी, उनका दिव्य चरित्र सुना। महाराज जी के इतने चरित्र हैं कि आपको क्या बताए। महाराज जी के चरित्रों की हमारे परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरित्र इतने हैं कि उनकी पार नहीं पाया जा सकता, उनकी उसकी था है ही नहीं। जो केले के पात में पात पात में पात, त्यों श्री नारायण गोस्वामी महाराज की बात में बात बात में बात। जैसे केले के पत्तों में पत्तों में पत्ते और पत्ते में पत्ते होते हैं, वैसे श्री महाराज जी के एक एक आशीष वचन जो है वह उसकी था नहीं पाई जा सकती, उसमें अनुपम और अगाध चरित्र अपने आप में ही समाहित होता है। महाराज जी से एक बार पूछा गया श्री महाराज जी से कि महाराज जी ऐसा कोई साधन बता दीजिए कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़े, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मैं एक 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 स्त्री ने महाराज जी से पूछा, पूज्यपाद भक्तजन श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी से कि महाराज जी आप एक बार बताओ, मुझे बहुत कठिनाई होती है अपने घर भजन करने में। बोले क्या बात हो गई। बोला पति जो है वह जो मेरा पति है वह भजन नहीं करने देता। बोले अच्छा, और बेटे? कहते बेटे बड़े शैतान हैं, बड़े दुष्ट हैं, वो नहीं उनकी वजह से भजन नहीं कर पाती। तो महाराज जी ने कहा देखो तुम्हारे तो पति तुम्हें भजन नहीं करने देते लेकिन वह सदैव तो नहीं रहते हैं। बोले नहीं रहते। तो महाराज जी ने कहा तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहते। बोले नहीं। बोले तुम्हें तो कोई भी तुम्हें तो इतनी परेशानी नहीं लेकिन तुम प्रहलाद जी को देखो, प्रहलाद जी तो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी जैसे ही नाम लेते तो हिरण्यकश्यप कभी उनको खाई में पटकवा देता था, कभी आग में जलवा देता था, कभी अपनी बुआ जो होलिका है उसके साथ आग में जलवा उससे उसकी गोद में बिठा के आग में जलवा देता था, कभी विष दे देता था, कभी कुछ दे देता था। तो बोले उससे भी ज्यादा तुम्हारी खराब स्थिति है, बताओ तुम्हारा पति दे रहा है तुम्हें जहर, तुम्हारा पति तुम्हें ऊपर से खाई से नीचे पटक रहा है। तो बोली नहीं महाराज जी। तो बोले अपने से श्रेष्ठ लोगों को देख करके भजन करना सीखो, अपनी अपनी अवस्था नहीं, जिस अवस्था में आप लोग हैं जिस कंडीशन में आप लोग हैं उस कंडीशन में रह करके भजन करो, यही भजन की उत्तम स्थिति है। और एक दिन ऐसा आएगा महाराज जी कहते हैं कि भजन करते 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 जब अपनी 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 स्थिति से जब भजन से भजन में उन्नत होगा ऊंचे उठेंगे तब चिंता मत करो ये पति क्या चीज है, वो परम पति जब श्री कृष्ण आलिंगन कर लेंगे तब इस पति की तो कुछ नहीं चल रही, ऐसे श्री महाराज जी कहते। एक एक महाराज जी के पास तो सारी चीजों का सॉल्यूशन होता था, अल्टीमेट सॉल्यूशन। कोई कहीं से वेद कोई कहीं से कितना ही कठिन से कठिन प्रश्न महाराज जी के सामने ला दे ऐसे चुटकियों में महाराज जी ऐसे सॉल्व करते थे उसको, इतना महाराज जी का कौशल था। सबसे बड़ी बात महाराज जी के सामने बोले एक व्यक्ति आया श्री महाराज जी से कहा महाराज जी आप एक बात बताओ किसका आदर करना चाहिए और कैसे आदर करना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा देखो आदर किसका करना चाहिए, आदर उसका करना चाहिए जिसका संबंध गुरु से है, जिसका संबंध भगवान से है उसका। यद्यपि सभी को आदर देना चाहिए पर विशेषकर हृदय से आदर किसका करना चाहिए, जिसका संबंध भगवान से है।
जिसका संबंध भगवान के जनों से है, जिसका संबंध मंदिर से है। तो महाराज जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। महाराज जी बोले, गुरुदेव बड़े महाराज जी बोले कि अगर तुम्हारे पास कोई कुत्ता भी आ जाए गुरुदेव का नाम लेते हुए, तो उसको भी आलिंगन कर लेना, ऐसे आदर करना चाहिए दूसरों का। इस कारण से इतनी छोटी छोटी विशेषता, ये सब कुछ हमारे लिए, गृहस्थी ले लो, मंडलेश्वर ले लो, महामंडलेश्वर ले लो, महामहामंडलेश्वर ले लो, जगत गुरु तक ले लो, सबके सभी अपनी समस्याओं का समाधान हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के पास लेकर के आते थे। महाराज जी से एक व्यक्ति महाराज जी से बोला, महाराज जी भजन नहीं हो रहा। तो महाराज जी बोले, भोजन कितनी बार करता है भैया? तो बोला महाराज जी, सुबह का नाश्ता। बोले नाश्ता? बोले हाँ, नाश करा दे वही नाश्ता। सुबह बिना माला करे, बिना भजन करे जो खा लिया वही नाश्ता, वही नाश करा देता है। महाराज जी कहते थे कि जो तुम कितनी बार भजन करते हो? तो महाराज उसने कहा, 3 बार भोजन करता हूँ। तो बोले, और बोले भजन? बोले बस थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो बोले, फिर कैसे कल्याण होगा भैया? 3 बार तो तुम भोजन कर रहे हो, टूस टूस के खा रहे हो, कल्याण कैसे होगा? 3 बार भोजन और भजन 1 बार, इसीलिए संकट आते हैं बार बार। 3-3 बार तो गटागट लग गए और भोजन में और भजन में आलस करते हैं, इसीलिए 3-3 बार खा रहे हो और पर भजन में आलस कर रहे हो, तो कहां से कल्याण होगा? रा कृष्ण भजन में आलसी और भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भोजन में तो इंटेलिजेंट, भोजन में तो खूब रुचि, भोजन में तो होशियार, लेकिन भजन में बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो ऐसे जीव को सारे संत उस पर उसको धिक्कारते हैं। 3-3 बेर भोजन करत, 3-3 बेर या मिश्री दूध मलैया, पर कृष्ण भजन में क्यों अलसाते? कृष्ण भजन में क्यों अलसाते? पुनि पुनि लेत जमहिया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय सार सर्वस्व
नाम ही है, श्री कृष्ण नाम भी है। पहले तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करने को बहुत कुछ कहा कहा कीजिए, पारना पुराणन को वेदहू को अंत नहीं, वाणी तो अनेक छंद कहा कहा पीजिए। शास्त्र की कला बहुत छंद के प्रबंध बहु, वाणी तो अनेक गुण कहा कहा कीजिए, सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, अरे जन्म जो सुधारी हो तो कृष्ण नाम लीजिए, जन्म जो सुधारी हो तो राम नाम लीजिए। एक ही शब्द भगवान का नाम, इस कारण से ये तो भगवान के नाम महाराज जी का चरित्र हो गया, भगवान का नाम भी हो गया। पर आप एक बात देखो, आपको आप एक इस चीज को वेद से समझो, वेद में बताया गया है देवा देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के देवता की उपासना करने से सिद्धि होगी, वो पूरा कारण होगा। बोले कैसे? इस कारण से देवता बनकर के देवम भूत्वा देवम यजेत। अब आप कहेंगे कैसे देवता, कैसे भगवान की उपासना, कैसे क्या? तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर आता है हम अपना स्वरूप देखें। स्वरूप क्या? वैष्णव का स्वरूप जो है वो दो चीजों से अंकित होता है, अंकितम द्वौ कारण स्वरूप इति व्याख्यानम अस्मि। दो कारणों से स्वरूप की व्याख्या हुई है वेद में वैष्णव की। क्या? पहला है भगवान का ये मस्तक पर उर्दुपुंड तिलक, दूसरा है गले में कंठी, ये है वैष्णव का स्वरूप, है ना? गले में कंठी है, मस्तक पर तिलक है, ये है वैष्णव का स्वरूप। अब आप क्यों कहेंगे कि वैष्णव का स्वरूप धारण करने से क्या होता है? तो देखिए वैष्णव का जब स्वरूप कोई धारण करता है, यानी तिलक धारण करता है, कंठी धारण करता है, और इसको जब लगा करके श्री भगवान के सामने उनका दर्शन करता है, जैसे देखो आप खुद सोचो, अगर मान लो आपका छोटा सा लाला है, छोटा बच्चा है, उसके लिए आप बहुत सुंदर ड्रेस लेके आए हो, बहुत प्यारी सी ड्रेस लेके आए हो, और उससे कहते हो कि बच्चे ये कल पहनना तू, कल इसको पहनना, तो वो चुपचाप अपनी मैया से उसको उस पोशाक को धारण करता हुआ जब अपने कमरे से बाहर निकलता है, तो उसके पिता के द्वारा लाई गई वो पोशाक जब वो पहन करके पिता के समक्ष उपस्थित होता है, तब उसका पिता उसको देख करके गदगद हो जाता है कि अरे बाप बहुत सुंदर लग रहे है कि नहीं? ऐसा है, ऐसा ऐसे ही भगवान के द्वारा वेद में उपाख्यित ये कंठी और तिलक को धारण करके जब व्यक्ति भगवान के दिव्य दर्शन करता है, तब भगवान उसको देख करके अति प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो ये मेरा लाल आ गया है। पर विडंबना देखो, ना कोई कंठी धारण करता है ना कोई तिलक धारण करता है। क्यों? ऐसा क्यों है? तिलक धारण नहीं कर रहे, कंठी धारण नहीं कर रहे। किसी को कह दो भैया तिलक धारण करके आए, तो वो एक ही बात कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं है। अरे तुम्हारे मौत की गारंटी है भैया, वो है तुम्हारे पास, वो नहीं है, वो भी तो नहीं है, पर बोलना है। देखिए आप लोगों को मैं तिलक और कंठी की महिमा सुनाता हूँ, बहुत सुंदर महिमा है, मेरे को विश्वास है, मेरी तो वाणी का फिर भी इतना प्रबल, लेकिन अगर गुरुदेव ने चाहा है कि आप लोग पहनो तो आप लोग अवश्य धारण करोगे। देखो सबसे पहले ये कंठी है, कंठी है ना, ये इसको कहते हैं जो वैष्णवों के गले में कंठी होती है उसको कहते हैं तुलसी, तुलसी कहते हैं इसको, तुलसी की कंठी है जो वैष्णव धारण करते हैं। तुलसी धारण करने के क्या क्या लाभ है? अब हम कोई भी जगह जाते हैं और कुछ भी चीज के लिए बोलते हैं, मान लो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो पहले उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये देखो, यानी उसका उसका प्रदर्शन करते हैं, तो सब पूछते हैं अच्छा भैया यूं बताइए इसके गुण क्या क्या है, तो सब बताते हैं कि ये गुण है, तो गुण का जब गुण बता दिया जाता है तभी वो चीज खरीदी जाती है, ऐसा है ना? यदि कोई किसी चीज में गुण नहीं है तो वह चीज खरीदी नहीं जाएगी। तो ये तिलक धारण करा है इसका क्या मतलब है, ना ये कंठी धारण करी इसका क्या मतलब है? देखिए ये भगवान की जो ये जो कंठी है तुलसी की, ये साक्षात कल्याणकारिणी है। श्रीमद् भागवत जी में गोपी कह रही है कच्चित तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय सहित्वालय
दृष्टः केन प्रियच्युतः। हे तुलसी, आप तो कल्याणी हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी। गोविंद चरण प्रिय, श्री गोविंद के चरणों पर रहने वाली तुलसी आपको प्रणाम है। और उसी तुलसी की लकड़ी को हम लोग कंठ में धारण करते हैं। साधारण नहीं है ये तुलसी। देखिए, जब तुलसी व्यक्ति के गले में होती है, किसी भी वैष्णव के गले में, तो जब वो स्नान करता है, हम लोग रोज स्नान करते हैं, तो जैसे हम लोग स्नान कैसे करते हैं, बाल्टी के अंदर जो मग होता है उसको लिया और ऊपर डाल लिया, जैसे ही जल ऊपर डालते हैं और वो जल हमारे मुंह को छूता हुआ गले पर पड़ी हुई तुलसी को स्पर्श करके सारे के सारे हमारे शरीर पर पड़ता है। तो उस तुलसी के स्पर्श किए हुए जल जब हमारे सारे शरीर पर पड़ता है तो भारतवर्ष की समस्त पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी की महिमा है। और ये तो स्नान की बात है, भोजन करते हैं हम लोग, प्रसाद पात्र भोजन करते हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने पर जब हम लोग निवाला मुख में देते हैं, चबा करके उसको गले तक ले जाते हैं, तो जब गले में उस वो तुलसी जाती है और कंठ को स्पर्श करती है तो लिखा है, सिकते सिकते तो लबते बाजु मेदी फलम मुने, एक एक अन्न के दाने पर सो सो अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी की महिमा है, ये तुलसी की महिमा है। ये तो तुलसी की महिमा होगी। अब तिलक की महिमा देखिए। मस्तक पर ये जो तिलक है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। वैष्णव का जो तिलक होता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वपुंड नीचे से ऊपर की ओर जो जाता है उसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। देखो, पहले इस तिलक के विषय में बता देता हूँ, ये तिलक क्या है। ये आप देख रहे हैं तिलक ऐसे, ये जो दो डंडी है ना, ये जो दो तिलक है, ये जो तिलक है ऊपर तक गया है, ये दोनों ठाकुर जी के चरण हैं। और ये जो दोनों चरण है उसके नीचे जो ये जो बना रखा है ये तुलसी है। तो ठाकुर जी के चरण है और नीचे तुलसी है, इसी को ही तिलक कहते हैं। ऊर्ध्वपुंड तिलक है ये हमारे वैष्णवों का। और लिखा है, यत्र मस्तके ऊर्ध्वपुंड स्थित्वा तस्य कथिते हरि मंदिरम जन्यः। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड होता है उसका मस्तक हरि मंदिर हो जाता है, भगवान का मंदिर हो जाता है। इस कारण से इसको ऊर्ध्वपुंड बोलते हैं। ऊर्ध्वं नयति यत् पुण्ड्रं प्राणिनं पापकारिणं तस्याख्यं ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारे ध्वजा। जैसे यदि मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड है और व्यक्ति की अचानक से कहीं मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मृत्यु का स्थान किसी को निश्चित नहीं है कि हमारी यही मृत्यु होगी, अगर अचानक चलते चलते या कहीं भी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो जो मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड है यदि वो उसके मरते समय उसके मस्तक पर है तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं नयति यत् पुण्ड्रं प्राणिनं पापकारिणं तस्याख्यं ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारे ध्वजा। ऊर्ध्वं नयति यत् पुण्ड्रं, भगवान कहते हैं कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, मेरा विमान आएगा उसको लेने के लिए और मेरे धाम तक हो जाएगा। ये है तुलसी, ये तिलक की महिमा। मेरे दाम को जाएगा वो यदि उसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड है। दूसरी बात, यदि ऊर्ध्वपुंड है मस्तक पर तो भगवान कहते हैं तुलसी और तिलक जो है वो वैष्णवों के चिन्ह है। चिन्हम तुलसी तिलकम शिखा येनम प्रबोधिता। तुलसी और तिलक किसी के मस्तक पर और शिखा है तो कहते हैं यज्ञ प्रबोधिता येनह। भगवान कहते हैं वो प्रबोधित है, विशिष्ट बुद्धि से युक्त मेरा प्रियजन है। इस कारण से ये तुलसी और तिलक है। सबते बड़ी तिलक अरुमाला सदा सहाय करे गोपाला, डूब साटे जो संत ही मारे ताको चक्र सुदर्शन जारे। सबते बड़ी तिलक अरुमाला, ये तिलक और माला सबसे बड़ी है। आप देखिए, आप लोगों को सच्ची बात बताऊं, जब एक बार क्या हुआ, मैं गुरुदेव की कथा फरीदाबाद में हो रही थी तो मैं दिल्ली आ गया था, तो दिल्ली से मैं और एक व्यक्ति दोनों के दोनों स्कूटी पे निकले हम लोग गुरुदेव।
गुरुदेव फरीदाबाद पहुंचने के लिए, तो हम लोगों ने रोंग टर्न ले लिया उधर से, तो रोंग टर्न ले लिया, हेलमेट था यद्यपि हमारे पास, तो जब रोंग टर्न ले लेते तो पता है दिल्ली में तो जगह जगह ट्रैफिक पुलिस तो रहती है, तो वहां पे उसने रोका और रोक करके बोला हाँ भैया तो रोंग टर्न ले लिया, लाओ चालान वालान दो। तो जैसे ही मैंने अपना हेलमेट निकाला तो मस्तक पर उर्दकुंड था, तो उर्दकुंड देखते ही उसने कहा अच्छा पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, तो हमने कहा कि हम तो भगवान की कथा में जा रहे हैं भैया। तो उसने यूं कहा, उसने अपने पुलिस वालों, पुलिस ने अपने साथी को कहा अरे भैया इनका चालान फलान काटने के जरूरत, इनको भेजो कथा में, भगवान की कथा, ये तो साधारण है, हमारी कोई महिमा नहीं है इसमें, इसमें महिमा किसकी है, इसमें तिलक की महिमा है। बड़े से बड़ा संकट केवल तिलक लगाने से ही व्यक्ति का खत्म हो जाता है। और तो और सबसे बड़ी बात, छोटी बात है, छोटी सी बात कहूँ, है तो बड़े नीचे स्तर की बात, लेकिन फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार नीचे स्तर की बात कहने से भी बड़ी उन्नति होती है। आप और अगर ट्रेन खचाखच भरी हो ना, किसी और को स्थान मिले ना मिले, लेकिन तिलक मस्तक पर लगाए हुए को स्थान जरूर मिल जाता है। सच्ची बात है, किसी और को जगह मिले ना मिले पर मस्तक पर तिलक लगाए हुए को स्थान जरूर मिल जाता है। और फिर जब तिलक मस्तक पर लगाए हुए को स्थान मिल जाता है, तो फिर उस टाइम के लिए हम जैसा मनुष्य सोचता है चलो ठीक है ना, हमारे मस्तक पर तिलक है तो देखो भगवान ने कितना फायदा कर दिया हमारे केवल तिलक लगाने से। फिर भी मनुष्य इतना प्रमादी है, इतना आलसी है कि वह तिलक नहीं लगाता है। फिर उनसे कहो भैया तिलक लगाओ, तो कहते हमारी कोई गारंटी नहीं है। अरे भैया तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है तो तुम्हारी मौत की भी कोई गारंटी नहीं है। इस कारण से यह बात है। दूसरी बात, तिलक हो गया, कंठी हो गई। देखिए सबसे बड़ी बात है तिलक और कंठी, पर इसका एक, इसमें एक रहस्य है। आप बाजार से तिलक खरीद लेंगे, लगा लेंगे, कंठी खरीद लेंगे और पहन लेंगे, खूब मिलती है कंठी तो आजकल, कोई दिक्कत नहीं है वृंदावन में ही नहीं अन्यत्र बड़े शहरों में, लेकिन वहां पहनने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुलसी जी तो है वे लेकिन नहीं होगा, लेकिन वह सिद्ध होनी चाहिए कंठी। सिद्ध कैसे होगी, जब हम किसी संप्रदाय के दिव्य संत या सदगुरु से उस कंठी को कृपापूर्वक याचना करके उनसे लेते हैं, अपने कंठ में बंधवाते हैं, है ना, तब उनसे कंठ में बंधवाते हैं। भैया अग्नि हर जगह है, अग्नि हर जगह है, पत्थर में भी अग्नि है, इस खंभे में भी अग्नि है, एक एक चीज में अग्नि है, आग प्रस्फुटित है, लेकिन वह प्रकट कैसे होगी, जब घर्षण होगा। दृष्टम दृष्टम पुनरपि पुनरपि चंदनम चारु चारु गंधम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनरपि कांचनम चारु कांतम, जब उसको घिसेंगे तब जाकर के अग्नि प्रकट होगी। ऐसे तिलक तुलसी तो है ही, कहीं भी मिल जाएगी, यहां से भी बना, हमारे पुजारी प्रभु भी तुलसी की माला बनाते हैं, पर वह तुलसी की माला क्या, लेकिन वह तुलसी की माला जब गुरुदेव अपने हाथ से स्पर्श करेंगे, कोई संत स्पर्श करेंगे, तो वह स्पर्श करते ही उसके अंदर भगवत तत्व अपने आप स्फुटित हो जाएगा, और जब वो आप गले में कंठी धारण करोगे तब जाकर के वो साक्षात भगवान की, स्वयं भगवान का स्वयं मंदिर बन जाएगा। इस कारण से ये तिलक और कंठी की महिमा है, अपार तुलसी की महिमा, अपार तिलक और कंठी की महिमा, ये वैष्णव चिन्ह है। वैष्णवो रामानुजाचार्य कहते हैं वैष्णवो त चिन्हो साक्षात कृष्ण प्रगीयते, वैष्णव चिन्ह है वो साक्षात भगवान से प्रस्फुटित है, भगवान के सदृश है, भगवान के तुल्य है। यही कारण है कि भगवान की तिलक और कंठी की अपार अपार महिमा है। आप लोगों ने, सब लोगों ने कंठी और तिलक की महिमा सुनी है, इसको, इसमें किसी की कोई महिमा नहीं है, इसमें महिमा है भगवत भजन भगवान की महिमा है, तिलक तुलसी की महिमा है। आप मानिए पक्का तिलक और तुलसी की कंठी धारण करने से अनेक अनेक बड़े से बड़े दुर्गम पथ सहज तरीके से पार हो जाते हैं, अनेक अनेक रास्ते अपने आप सहज पार हो जाते हैं, अनेक अनेक बाधाएं अपने आप चली जाती हैं भगवान के तिलक लगाने से और कंठी। अरे आप लोग तिलक लगाइए ना, तिलक लगाने से कितना सुंदर चेहरा खिलता है, बिल्कुल गोल मटोल सा चेहरा लगता है तिलक लगाने से। और तिलक नहीं लगाते तो आजकल तो फिर भी शिथिलता हो गई, पहले महाराज इतना ज्यादा वो था कि कोई ब्राह्मण घर से बाहर निकल जाए यदि उसके मस्तक पर तिलक नहीं है ना, तो लोग उसको देख करके शुभ नहीं मानते थे, अरे देखो ब्राह्मण है मस्तक पर तिलक ही नहीं है। और यदि कोई ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति मस्तक पर तिलक निकाल करके अपने घर से बाहर जाता है और कोई
यही तिलक और तुलसी की अत्यंत अत्यंत गरिष्ठ महिमा है भगवान की तुलसी की। इस कारण से और यही कारण है और इससे ही भक्ति की शुरुआत होगी। भक्ति महुं प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो भूयात अनंत महता ममलाशयानां यनविंज सोल्वणम उरु व्यसनम भवात्विम नैसे भवत गुण कथामृत पानमत्तः। तीसरी चीज तिलक हो गई, कंठी हो गई, ये चिन्ह हो गए। तीसरी चीज है भगवान का नाम माला, उनके उसके विषय में तो हमारे गुरुजी ने आपको कल ही बता दिया था। फिर चौथी चीज है भगवान की कथा। भगवान की कथा के लिए हम लोगों ने आप लोगों को पहले ही दिन बता दिया था, प्रभु जी ने, मैंने, गुरुदेव ने बता दिया था सब कुछ। तो ये चार चीजें हैं, यही वैष्णव के विभूषण आभूषण है, यही किसी व्यक्ति। और आप लोग तो बहुत श्रेष्ठ हो कि ब्राह्मण कुल में आप लोग का जन्म हुआ है ना, इसीलिए ब्राह्मणो मुखमासीतः वेद कहता है, भगवान कह रहे हैं मैं ब्राह्मणों के ही मुख से, ब्राह्मणों को खिलाने से ही मैं भोजन करता हूँ। और दूसरा अर्थ है ब्राह्मण ही मेरा मुख है, ब्राह्मण ही मेरा, ब्राह्मणो मुखमासीतः, भगवान कहते हैं ब्राह्मण ही मेरा मुख है। तो आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग सब ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, तो इसलिए केवल थोड़ी थोड़ी त्रुटि के लिए अपने आलस के कारण क्यों अपना ब्राह्मण जीवन भी खराब करें, उज्ज्वल करें ना, मस्त करें ना। अरे जैसे कई रोल होता है ना, कहीं भी रामलीला का रोल मान लो या फिल्मों में हीरो हीरोइन रोल कर रहे हैं तो वो अपना पूरा एफर्ट्स डाल देते हैं उसको रोल को करने में, पूरा का पूरा एफर्ट्स डाल देते हैं कि हमारा बढ़िया बढ़िया रिलीज हो मूवी और बढ़िया फिल्म बने। ऐसे ही भगवान ने हम लोगों को जो रोल दे करके यहाँ पे भेजा है तो उसको मस्त तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, बढ़िया तरीके से उसको करना चाहिए ताकि भगवान की अतिशय कृपा हो, सतगुरुदेव की अतिशय कृपा हो और जीवन ही उज्ज्वल बन जाए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो बोलेंगे, बोलो ये आप लोग का बहुत भाग्य है कि आप लोग यहाँ आए हैं और आप लोग के चलते मैं भी आया हूँ। मेरा भी बहुत भाग्य है कि महाराज जी का दर्शन हुआ, महाराज जी के सानिध्य में हम लोग जितना भी समय यहाँ बिताएंगे ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे बहुत ही कम मानव हैं जो कथा में रुचि लेते हैं और कथा के पास आते हैं। आप जैसे तिवारी पर छोटा गांव है लेकिन फिर भी कितने लोग यहाँ पर हैं और कहाँ, मतलब मैं यहाँ पहले भी देखा हूँ आज यहाँ पर कितने लोग कम लोग आए हैं, ये इसी का दर्शाता है कि हम लोग में भक्ति भाव कम हो रहा है। तो महाराज जी इसमें सानिध्य आए हैं और महाराज जी का लोग सुनकर के मेरा इतना ही निवेदन है कि हम सबको भक्ति करना चाहिए और जैसा प्रभु जी ने बताया है कि माला और कंठी और तिलक ये धारण करना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति में हम हों तो हमको जरूर धारण करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि जब हम तिलक लगाते हैं तो हमारा शरीर शरीर नहीं रह जाता है, ये भगवान का मंदिर हो जाता है। और हम लोग हिंदू धर्म में मानते हैं कि मंदिर जो होता है वो शुद्ध होता है और वहाँ कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं प्रवेश करती है, उसको पास तक नहीं भटकती है। तो आप समझिए कि कितना अच्छा है कि हम लोग तिलक लगाएं, कंठी धारण करें और अपना नित्य कर्म करते हुए भगवान को सेंटर मान करके भगवान को ध्यान करते हुए अपना कर्म करें, यही है। और मैं कृष्णा मुरारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, उन्होंने मुझे बोला और हम यहाँ पर पठा पाए कैसे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा Krishna, 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 Krishna.
कथा के सार क्या है? बोले कथा के सार ही भगवान का नाम है। अगर आपने पूरी भगवान की कथा सुन ली है लेकिन भगवान के नाम में रुचि नहीं हुआ तो सबके सब जीरो है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं किए, अगर जीवन में भगवान का नाम कर लिया तो शास्त्र कहता है तुमने वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत तुमने सब पढ़ लिया, तुमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन सब कुछ पढ़ लिया लेकिन भगवान के नाम में रुचि नहीं हुई, तुम सब कुछ बेकार है। इसलिए हमारे संप्रदाय में तो संत श्री रूप गोस्वामी कहते ध्यान देकर सुनो, बहुत काम की बात है। कभी जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की नाम लेने का साथ साथ उसको तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है बोलो जोर से, तीन काम हो जाता है। देखो क्या तीन काम हो जाता है। बोले यमपुरी में श्री जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, कहते चित्रगुप्त कौन है? बोले चित्र मतलब होता हमारे फटो, गुप्त मतलब छुपा करके, मतलब हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं वो चित्रगुप्त ऊपर में सबके सब कैमरा लगा हुआ है, सब हमारे फटो अपने आप सबके सब ले रहा है। लेकिन देखो भगवान के नाम लेने का कितने महत्व। जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेते हैं, जब महाराज जमगुप्त को कहते हैं, चित्रगुप्त को कहते हैं, वो रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ से काट, ये व्यक्ति का नाम को काट दे। बोले इसलिए, बोले भगवान का नाम लेना है ना, ये कभी और जमपुरी कभी नहीं आएगा, ये पहला काम है। बोले दूसरा काम क्या? बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति प्रभु का नाम ले रहा है ना, जब इन्होंने भूर भूप मोह जन तप और सत्य लोग होते हुए जो वैकुंठ लोग अपने करेगा उसको हम रास्ता में आरती उतारेंगे, रास्ता में उसको आरती उतारेंगे, ये दूसरा काम है। बोले तीसरा काम क्या? बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहते, बोले रजिस्टर ले आ। बोले इसलिए, बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ पर चढ़ा, व्यक्ति का नाम को लिख लिख दे। बोले इसलिए, बोले भगवान का नाम ले रहा है ना, अभी वो सीधा व्यक्ति गोलोक वृंदावन श्री राधा रानी को चरणों को प्राप्त करेगा। इतने महिमा जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम जप करता है, सारे शास्त्र का निचोड़ है भगवान के नाम। हम लोग तो भारतीय है, देखना भले ही जीवन में जो कुछ करना कर लो, जो कुछ करना है जीवन में सब कुछ कर लो, लेकिन जब शरीर छूट जाएगी, जब शरीर छूटती है, जब चार व्यक्ति ले जाते हैं कंधे पर, आप लोगों सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलो क्या बोल, क्या बोलते बोलते ले जाते चार व्यक्ति? ये यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते हैं ना। बोले बेटा जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया है अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय अपने जीवन में जो कुछ किए हो तुमने सबके सब झूठे भी बिताया, सबके सब तुमने झूठे भी बिताया। इसलिए समस्त शास्त्र का जो निचोड़ है वो भगवान का नाम ही है। इसलिए प्रभु जी ने जो आपको जोर जोर से हरिनाम कराया ना, ये जितने दूर तक इसकी आवाज आए उतना दूर तक दुर्भिक्ष दुख कष्ट श्लोक जितने सबके सब नष्ट हो जाता है, इतने महिमा भगवान की नाम लेने का। इसलिए और एक बार सबके सब हाथ उठा कर बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे थोड़ी सी गुरु जी की महिमा बताएगी। देखो यहाँ पर तो हम लोग हिंदू हैं, हम लोग ये चोटी चोटी रखते हैं ना सिर पर, ये चोटी की कितने महिमा, ये चोटी अगर जो व्यक्ति धारण करते हैं ये चोटी, आप तो ब्राह्मण लोग है ही हो लगता है सबका चोटी होगा, चोटी है कि नहीं सब लोगों का है ना,
ये छोटी कितने महिमा की प्रभु जी आपको सुनाए थे, ये छोटी धार में कहता है कितना महिमा है, बोलो। ओम ज्ञान तिमिरांगस्य ज्ञानञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपकृष्णाय भूतले श्री श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामीति नामिने वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिद्धौ च प्रतिपादं पावनेभ्यो श्रीवैष्णवभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव जयनित्य लाल प्रविष्टि विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीपद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महानंद जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपने शिक्षक गुरुदेव पूज्य भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी और सभी ग्रामवासी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले अभी चिराग पर वो तिलक की महिमा सुना रहे थे, उससे दो घटना याद आ गई वो बता के फिर मैं महाराज जी ने जैसा आदेश करना वो बताने का प्रयास करूँगा। दिल्ली में बालाजी हनुमान बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे पथरी की दवाई मिलाई जाती है। मुझे किसी ने बताया वहाँ पे दवाई खिलाते हैं पथरी बाहर हो जाती है, तो मेरे भी पथरी थी, मैं वहाँ दवाई मिल गया। रविवार सोमवार मंगलवार तीन दिन और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैं सुबह सुबह वहाँ गया 5 बजे, उस समय भी कम से कम 600-700 लोग लाइन में खड़े थे। और मैं गया तो घर से अपनी पूजा वूजा करके तिलक विलक पहले मैं शुरू शुरू में तिलक माथे से छुटा लेता था, शर्म आती थी। अभी जो लोग तिलक लगाते हैं वो इसे यही कारण है, शर्म आती है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो अपने कपड़े अपने पहन के वहाँ जाके लाइन में लग गया। मैंने वहाँ देखा दो भक्त और थे, पूरे अपने धोती कुर्ता में और तिलक लगवाते इस्कॉन के भक्त थे, वो मेरे से भी पीछे थे, मेरे से भी कम से कम 40-50 पीछे। और वहाँ के मंदिर के सेवक आए पूरे देखते देखते अरे महाराज जी आप तो भक्त लोग, आप यहाँ क्यों लग रहे हो। उनको लेके सबसे आगे दवाई मिला दी, मुझे लगा मैं प्रेस में आता तो सही रहता। ये तो सिर्फ बाह्य लक्षण है, अभी हम अंदर से भजन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ यूनिफॉर्म ही पहनी है उसका इतना सम्मान है। अगर हम सही में भगवान का भजन करेंगे तो क्या ठाकुर जी क्या नहीं देंगे। ये तो सिर्फ अभी हमारा अंदर से मन आत्मा लगी नहीं लगी पता नहीं, लेकिन सिर्फ भाई एक तिलक लगाया, कंडी पहनी है, धोती कुर्ते पहने, इसमें इतना सम्मान है और इतना सब कुछ मिल रहा। अगर वास्तव में होगा तो पता नहीं ठाकुर जी क्या करेंगे। एक तो ये बात तिलक से याद आ गई। एक और हमारे गांव में मैंने तिलक लगा रखा था, तो गांव में एक व्यक्ति मेरे से कहने लगा अरे क्या तिलक तिलक लगा रहे बेकार, ये क्या हमारे तो ये तो पंडित लोग लगाते हैं। तो मैंने उससे कहा कि बड़ी अच्छी बात है, मेरे जो तिलक लग रहा है इससे आपको कोई नुकसान हो रहा हो, कोई बिजनेस में आपको नुकसान होगा, मेरे समाज में कोई नुकसान हुआ हो, ये गांव को कोई नुकसान होगा, तो बताओ। गांव के चारों कोने में छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के बच्चे दारू पीते हैं शाम के टाइम खुलेआम। आपने किसी को सलाह दी जाके कि ये बेटा गंदी चीज़ें ये कुछ क्या करो, वो व्यक्ति चुप हो गया, उसके बाद उसने आप कुछ नहीं कहा। तो फिर मैंने अभी मैं तिलक लगाता छुटा तो नहीं, तो भगवान की कृपा है तो महाराज जी ने जो आदेश किया था, हम ये जो प्रोग्राम चल रहा पिछले 3 दिन से और गुरुदेव की शतवार्षिक उत्सव भी चल रहा है, पूरे पिछले 1 साल से चल रहा है, जगह जगह हर स्थान पर मनाते हुए यहाँ पर आए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ अपनी थोड़ी सी अनुभूति, मुझे बोलने का तो अनुभव नहीं है। मैं जब शुरू शुरू में जुड़ा भजन में, दो तरह से लोग भजन में आते हैं, तो संस्कार हो पिछले जन्म के या फिर साधु की कृपा दृष्टि पड़ जाए। तो मेरा जो हुआ कल्याण, मैं जिस समाज में आता था जिस माहौल से निकल के आया वहाँ भजन का कोई लेना देना नहीं, ना मैंने कभी ये जपमाला जीवन में देखी थी यहाँ जुड़ने से पहले। तो मैं तो समझता हूँ मेरा जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ बोल रहा हूँ ये सब महाराज जी गुरुदेव की कृपा दृष्टि पड़ी उसी से हो रहा है। तो जब मैं महाराज जी के पास गया, मेरा छोटा भाई पहले जुड़ा, वो भजन करता था, उसे देख के मैं सोचता था कहाँ बेकार के चक्कर में फंस गया।
तो मैं देखूंगा जरूर कोस कहाँ गया है, इसकी जांच पड़ताल करूंगा कहाँ जाता है। तो गुरुदेव आए हुए थे, वो फिर से कहने लगा मेरे गुरुदेव आए हुए मुझे वहाँ छोड़ देना, मैंने कि चलो मुझे जाना भी था देखने। तो हम जैसे गए गुरुदेव ऐसे आसन पे बैठे थे, उन्होंने जाके प्रणाम करा, धन्यवाद ऐसे सीधे लेट के चलो। मैंने कभी ऐसे प्रणाम भी नहीं कभी पहले किया ना कभी देखा, क्योंकि हमारा जो पहले माहौल कभी ऐसा हमने करा नहीं, पूरा लेट के प्रणाम किया मैंने, तो ऐसे किया नहीं मैंने तो सिर्फ ऐसे किया। तो मेरे भाई ने कहा प्रणाम करो, लेट के प्रणाम करो गुरुदेव को। मैंने गुरुदेव को लेट के प्रणाम किया ना, तो बिल्कुल गुरुदेव की आँखों में आँख मतलब सामने आ गया, गुरुदेव मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। तो मेरे से कह रहे हरि नाम लो गए, तो मुझे पता नहीं था हरि नाम क्या वस्तु है, मैं सोच रहा कुछ खाने की चीज़ होगी गुलाब जामुन वगैरह कुछ, वो क्योंकि वो बोलते ना प्रसाद प्रसाद बोलते थे, भाई मेरा प्रसाद पाओ प्रसाद पाओ, हम तो खाना बोलते थे। तो ऐसी मैंने सोचा हरि नाम जो है कोई वस्तु खाने की गुलाब जामुन वगैरह कुछ होगी। तो मैंने गुरुदेव से कहा हाँ डेली, तो गुरुदेव ने अपने हाथों से ये तीन कंठी माला पहना दी मुझे और जपमाला दे दी, और मेरे से कहा कि हरि नाम करना है झूठ नहीं बोलना है और प्यार से नहीं खाने। तो मेरा दिमाग तो बहुत खराब हुआ, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में हिंदी समझ में आ गई मेरी भाषा, तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने भाई आके उससे बड़े भाई अपने भाई से लड़ाई करी, क्या चक्कर क्या ड्रामा है, कह रहा तो बना कर देता गुरुदेव से कि नहीं लेना हरि नाम। मैंने मुझे नहीं पता हरि नाम क्या था, सोच रहा हरि नाम कोई गुलाब जामुन वगैरह देंगे खाने की वस्तु होगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें गुरुदेव ने दिया था तो विशेष कृपा हुई है, ऐसे गुरुदेव किसी को देते नहीं है, सिर्फ दो माला करो। मैंने कि माला तो होगी नहीं है झूठ, तो हम कॉलेज में पढ़ते थे बहुत 20 साल पुरानी बात है, 2020 की बात है वो, 2000 की बात है 2001 की। तो मैंने उन्होंने कहा मैं झूठ तो कॉलेज में तो झूठ बोलते थे, मित्रता आपस में झूठ तो बोलते थे। तो उन्होंने कहा झूठ कोई गुरुदेव का झूठ नहीं बोलना होगा, झूठ प्यार हरि नाम करो बस, और प्यार लहसुन तो खाने खाने कोई भी काम नहीं होगा तीनों में से। उसने कहा ठीक है बस हरि नाम करो दो माला करो। तो मैं सुबह स्नान करके दो माला करने लगा, दो माला करते 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 फिर धीरे 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 मेरे मन में गुरुदेव की कृपा से मैं अपने भाई से प्रसन्न क्वेश्चन पूछता रहता था। फिर ऐसे करते करते बाहर घर में प्यार लहसुन बनते नहीं थे, बाहर शादी में जाता था तो मैं खा लेता था। तो एक दिन मैं शादी में गया, मैंने पूरी प्लेट सजा ली और अंदर से ही ऐसे गुरुदेव की कृपा से अंदर से ही अनुभूति ऐसा हुई कि मैंने कहा मैं किसको धोखा दे रहा हूँ, अपने आप को दे रहा हूँ, गुरुदेव को दे रहा हूँ, भगवान को दे रहा हूँ। वो मैंने भरी की भरी प्लेट वहाँ साइड में रह गई, वो दिन और आज का दिन है मैंने प्यार लहसुन नहीं खाई। तो फिर गुरुदेव ने मेरी दीक्षा हुई और भाई कहने लगा कि हरि नाम हो गया अब दीक्षा और लेनी पड़ेगी। मैंने कि ये क्या होती है, उससे पहले उन्होंने गोपाल मंदिर दिलाया फिर दीक्षा दिलाया, थोड़ी गंभीर सब सुना। फिर दीक्षा हुई तो मैं दीक्षा में ना सिक्का रखनी पड़ेगी, तो मैं सिक्का रखनी दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद मैं घर आया तो हमारे घर का माहौल उस समय भक्ति के अनुकूल नहीं था, तो मैंने कहा पिताजी तो नाराज होंगे। तो मैंने सर्दियों का कार्तिकी पूर्णिमा को दीक्षा ली, तो मैंने ये कैप ओढ़ रखी थी, तो मैंने कैप ओढ़ के रखा। तो हमारे पिताजी कहने लगे क्या बात है, मैं लड़का कैप नहीं जा रहा सुबह शाम पूरे दिन रात बाथरूम में भी जाता कैप बाहर निकलता तो भी कैप, क्या चक्कर है। तो बाकी तो घर में सबको पता ही था, पिताजी को पता नहीं था। तो एक दिन मैं वहाँ बाथरूम करने गया ना, कान पर जले चढ़ाते जने उतारना भूल गया, तो पिताजी ने जने देखा कहने अच्छा ये चक्कर है कैप का। तो फिर हमारे नाराज हुए बड़े भाई भी पिताजी भी, तो उन्होंने कहा ये कटवा दो चुटिया कटवा दो। तो मैंने जाके वहाँ बाहर जो शहर था घर में रहना तो चुटिया कटवानी पड़ेगी, ये सिखा चोटी सिखा कहीं चुटिया बोलते कहीं चोटी कहीं सिखा, मैंने कटवा दिया। और उसके बाद 2004-05 में मेरी शादी होगी, मेरे बड़े भाई ने कहा अगर सिक्का रखोगे ना हमारे समाज में सिक्का रखोगे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। तो मैंने सिक्का कटवा दी, 2005 में मेरी शादी होगी। शादी के बाद 4-5 दिन बाद मेरी वाइफ अपने वहाँ चली गई, तो मैंने सोचा शादी तो हो गई है, मैंने सिक्का फिर रख ली। मैं गया नाई की दुकान, मैंने सिक्का फिर रख ली। उसके बाद
मैं अपनी वाइफ को लेके आया महीने के बाद गड़करी हुआ उसको आए उसने तो पूरी रात रोए 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 सुबह शाम मैंने क्या हो गया कुछ बताया नहीं तबीयत खराब हो गई हॉस्पिटल चले गई सारे चेकअप नॉर्मल आए डॉक्टर ने कहा इसे कैंसर है मैंने उससे पूछा भी क्या बात है क्या टेंशन है वो कह रहे थे कि मैं जब ठीक होंगे जब ये तुम्हारी चुट्टी कट जाएगी अरे उसके बाद फिर मैंने सिका फिर वो कटवानी पड़ी मैंने गृह चला रहा था कटवानी पड़ेगी फिर मैं नाई की दुकान गया फिर कटवाई तीसरी दूसरी बार फिर 2011 की बात है जून में गर्मियों का दिन था मैं बाथरूम में चक्कर आके गिर गया घर वाले उठा के हॉस्पिटल ले गए चार पांच दिन हॉस्पिटल रहा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है डॉक्टर तो ट्रीटमेंट दे रहे खराब होता जा रहा है रात को मुझे शर्मा दिखता है कि मैं पूरा इसमें धरती में जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ गुरुदेव बचाओ सिर्फ ये मुंडी मुंडी सब चलेगी और गुरुदेव आ रहे हैं कह रहे बचाओ कैसे ऐसे कर रहे कह रहे बचाओ कैसे सिखा तो है ही नहीं तो मेरी आँख खुली तो मैं पूरा पसीना पसीना हो रहा था फिर मेरी समझ में आ गई बात मैंने फिर कहा मेरी वाइफ मेरे पास ही थी मैंने कहा तुझे जाना जा रहना है गुरुदेव का आदेश हो गया गुरुदेव कह रहे हैं बचाई नहीं रहा बचा नहीं पा रहा सिखा ज्ञान में सिखा रखा आप लोग समझ में आया कि नहीं आप लोग समझ गए ये चौकी का क्या इतना महत्व है ये सिखा के कितना महत्व है जब ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गया अभी धीरे धीरे इसका शरीर अस्वस्थ होते जाए और ये उसी तरह से सही नहीं हो रहा है एक दिन रात को सपना देखा जैसे पाताल में घुसते जा रहा है एकदम धरती में घुसते जा रहा है इतने में उसने गुरुदेव को बुलाया बोले गुरुदेव इधर ऊपर में जो हमारे जो भक्ति वेदांत शिला नारायणी गोस्वामी मतलब बोले गुरुदेव हमें बचाओ गुरुदेव बचाओ इतने में गुरुदेव आ गए देखो सिखा की कितने महत्व है गुरुदेव आ गए बोले गुरुदेव हमें बचाओ मैं तो धरती में घुसते जा रहा हूँ पृथ्वी लोक में पाताल लोक में जा रहा हूँ मेरे को बचाओ गुरुदेव बोले बचाओ कैसे इतना चोटी तो है ही नहीं गुरुदेव एक चोटी को पकड़ करके हमें संसार रूपी नरक से गुरुदेव निकालते हैं इसलिए हम चोटी धारण करते हैं ठाकुर जी इसको पकड़ करके हमें भगवान के धाम में ले जाते हैं बोले तेरे चोटी तो है नहीं बचाओ कैसे पकड़ करके निकाल कैसे तब फिर उनको पता चला भैया चोटी की कितने महत्व तब उसने आ करके अपना पत्नी को बोले भले ही तो अपना पीहर जाता जाओ नहीं जाना बच जाओ लेकिन मैं जरूर चोटी में रखूंगा क्योंकि चोटी अब नहीं काटूंगा इसलिए जिसकी चोटी है ना ठाकुर ये चोटी को पकड़े करके ही हमें अपना धाम में ले जाते हैं इसलिए आप लोग जरूर ये चोटी को धारण करो और भगवान की भक्ति करो गले में कंठी और ये तिलक को जरूर हमें धारण करनी चाहिए ठीक है बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय
गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं स्मृतावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर कर बोलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति गदा श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजथ प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। ये भागवत का एक नाम ही नाम पुराण। नाम पुराण का मतलब होता है ये भागवत में नाम की जितने महिमा बताई गई और किसी शास्त्र में नाम की इतने महिमा कही नहीं। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जो सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को जो प्रश्न की थी उसमें जो दूसरा नंबर प्रश्न था कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय किया है कि जिसका उत्तर में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अपूत भयम् योगिनां नृपनिर्णीतः हरि नामानुकीर्तन।
बोले कलयुग में सबसे सरल उपाय ही भगवान के नाम को जप करना, इससे और जगत में कोई भी सरल उपाय नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम को करने के लिए कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, कोई पैसा की जरूरत नहीं। इसलिए शास्त्र में कहता है बोले सुलभम भगवत नामम जिह्वा च बसवर्तिना तथापि नरकम जानते केन आश्चर्य अथ परम। हाँ देखो, ध्यान देखो, सुनो इसमें क्या कहते हैं। बोले सुलभम भगवत नामम, दूसरे दूसरे युग में भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत पैसा की जरूरत होता था। जैसे त्रेता युग में यज्ञ, एक यज्ञ कर तो कितना पता नहीं कितने पैसा खर्चा हो जाता है। ठाकुर को अर्चन सेवा पूजा अगुर चंदन कर्पूर चाहिए, तभी जा करके ठाकुर का सेवा पूजा होगा। लेकिन कलयुग में भगवान के नाम करने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं। भगवान के नाम लेने के लिए ठाकुर कहते हैं अगर तुम मेरे नाम जप करोगे तो तेरे को पैसा देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं क्या? जैसे अभी ठाकुर का कथा सुन रहे, ठाकुर जी का नाम ले रहे, ठाकुर जी कहते मेरे को पैसा दे? बोले सुलभम भगवत नामम, बोले जिह्वा च बसवर्तिना, हमारी ये जो जिह्वा है वो हमारी बस नहीं है। अगर ये नाम जिह्वा को बोले भैया भगवान के नाम जप करो, ये जिह्वा प्रभु का नाम जप करना शुरू करेगा। अगर ये जिह्वा को बोले किसकी चुगली करो, ये भी चुगली करना शुरू कर देगा। जिह्वा को बोलो इधर उधर की बात करो, इधर उधर की बात करना शुरू कर देगा। ये जिह्वा हमारी बस है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं तथापि नरकम जाति कि आश्चर्य कर, तभी जीव नरक में जा रहे हैं। बोले भैया इससे आश्चर्य क्या हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते बोले बोले भगवान के नाम किसको किसको करनी चाहिए। अगर बोलेगा नहीं हम संसार में पड़ेंगे दुख कष्ट भोग कर रहे हैं इसलिए हमें नाम लेनी चाहिए, बोले नहीं। बोले संपूर्ण रूप में संसार से जो व्यक्ति मुक्त हो गए हैं वो भी ठाकुर का नाम ही जप करते हैं। शंकर जी को देखो, पंचमुखे राम नाम दान त्रिपुरा, शंकर जी पंचमुख में ठाकुर का नाम जप करते हैं। हनुमान जी को देखो, मुक्त महापुरुष है, कितना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हनुमान भी नाम करते हैं। हम माता देवी को देखे होंगे, उनके आठ हाथ में देखना एक हाथ में माला है। मैया देवी भी भगवान के नाम जप करती है। इसलिए एक दिन पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न करती है, बोले प्रभु किसके नाम जप करनी चाहिए, बोले किसके नाम जप करनी चाहिए। तब वहां पर श्री शंकर जी कहते पार्वती बोले राम रामति रमति रम रमे मनम रमे सहसा नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम वराणि। शंकर जी कहते पार्वती जो राम रामे थी रमती, जो प्रभु राम का जो नाम है वो बड़ा मधुर नाम है, वो राम नाम में मन हमारे रम जाए। अगर कोई 1000 विष्णु का नाम ग्रहण करता है, एक बार श्री राम का नाम जप करे, एक राम नाम के समान 1000 विष्णु का नाम। तभी से माता पार्वती, देखना हाथ में एक माला है, ये माता पार्वती भी प्रभु के नाम जप करती है। आप ब्रह्मा जी को देखे होंगे, ब्रह्मा जी की 4 हाथ देखोगे, एक हाथ में माला है। आप सरस्वती का भी 4 हाथ देखोगे, एक हाथ में माला है। इसलिए देखना सबके जितने 33 करोड़ देवता वो सबके सब ठाकुर जी का नाम ही जप करते हैं। इसलिए हिंदी में एक भजन है बोले कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अब लोग मेरे पीछे पीछे बोलो बोले कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला।
जपेगा कोई बोलो, दिल्ली वाले नहीं है, कोई नहीं सोचे जपेगा कोई दिल्ली वाला है, जब डब्ल्यू नहीं जपेगा कोई दिल्ली वाला, मतलब क्या, जिसका दिल है, जिसकी हृदय है, जिसका हृदय मजबूत है ना, वही भगवान के नाम को ले सकता है। नहीं तो लोग देखना शराब पीने के लिए शर्म नहीं करते, बीड़ी फूकने के लिए शर्म नहीं, गुटखा खाने के लिए शर्म नहीं, लेकिन जब क्रम का माला जब करे ना, अरे दुनिया क्या बोलेगा, तो क्या साधु बन गई हो, शर्म लगता है ना अगर कोई माला जब करे, शर्म लगता है क्या, तो साधु बन गए हो क्या, क्या ये माला लेकर हरे कृष्ण करने हो, ये बताओ क्या साधु नहीं बन कर, क्या चोर बनेंगे, साधु तो बनेंगे, साधु तो बनेंगे ना, थोड़ी हम चोर बनेंगे। इसलिए कहते हैं जपेगा कोई दिल वाला, जिसका दिल मजबूत है ना, वही व्यक्ति भगवान के नाम को वही जप कर सकता है। इसलिए यहाँ सुत गोस्वामी कहते बोले विद्यमाना नाम, संपूर्ण जो विषय से संपूर्ण ऊपर चले गए बड़े बड़े महापुरुष भी ये प्रभु का नाम जप करते हैं। बोले इच्छता अकूत भय, ध्यान कर सुना कितने अच्छी बात कह रहे, बोले भगवान की भजन नाम करने से क्या होगा, इच्छताम अकूत भयम, जो संसार में सुख शांति में रहना चाहते हैं, निर्भय होकर के संसार में रहना चाहते हैं, क्या करो, भगवान के नाम को जप करो, भगवान के नाम जप करने तो कोई डर भय नहीं। प्रहलाद का नाम सुने ना, ये भगवान के नाम जप करता था, उसको पिता हिरण्यकश्यप ने हैं आप भागवत सुने होंगे, उनको मारने के लिए कितना प्रयास नहीं किया, उसको पहाड़ को ऊपर से लेकर के प्रहलाद को फेंक दिया, ठाकुर जी गोद में पकड़ लिया, उसको पत्थर में बांध कर समुद्र में डाल दिया, पत्थर भी तैरने लग गया, जहरीले विषधर सर्प को सामने फेंक दिया, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ, लास्ट उसको ताल कोठरी में बंद करके बोले बंद करो, तो उसको खाना पीना कुछ मत दिया करो, वैकुंठ से लक्ष्मी नारायण आकर के रोज प्रहलाद को भजन कराने जाते थे। जब किसी तरह से मराए नहीं, इतने में हिरण्यकश्यप का जो बहनी थी जिसका नाम थी होलिका, इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ये अग्नि तुमको स्पर्श नहीं करेगा। एक दिन होलिका आई तो देखा हिरण्यकश्यप बड़े दुखी, बोले भैया क्या बात है, तो दुखी क्यों, बोले क्या बताओ भाई, ये कुछ कुत्ते का जैसे पूछ है ना, ये भी ऐसे ही है, सारा दुनिया मेरे डर से थरथर कांप रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा प्रहलाद मेरा बात नहीं सुनता, ये मरता बरता भी नहीं, बोले कोई चिंता मत करो, मेरे को वरदान मिला है, ये अग्नि मेरे को कुछ कर नहीं सकती, चिता से जाओ, मैं इसको गोद में लेकर बैठ जाऊंगा, आग लगा दो, जब आग लगाए ना बड़ी जोर से चीख आई, बचाओ बचाओ, हिरण्यकश्यप सोचा पार मेरा शत्रु खत्म, लेकिन जब आग बुझ गई ना, देखा होलिका जल करके राख हो गई, और प्रहलाद महाराज अग्नि को बीच में बैठ करके एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे। प्रभु का नाम जप कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, अपने मीरा का भी नाम सुने होंगे। कभी भगवान को भजन करती थी, इसको पति भी मारने के लिए राणा ने भेजा 20 का प्याला, लेकिन उन्होंने अमृत मान कर पी लिया, कुछ नहीं हुआ मीरा को। उसको भेज दिया, सर्प भेज दिए, लेकिन इस सर्प भी बन गया, सालग्राम बन गया। इसलिए यहाँ पर कहते इच्छताम अभूत भयम, अगर संसार में कोई निर्भय में रहना चाहते हैं क्या करो, भगवान के नाम को ही जप करो। बोले जोगी नाम निपर निर्मित हरे नामानु कीर्तन। तो जितने जोगी जितने शास्त्र है सबके सब एक ही सिद्धांत में पहुंचे। अगर सारे शास्त्रों को अगर निचोड़ अगर लिया जाए तो क्या है, बोले भगवान के नाम ही सारे। देखो एक छोटी सी कथा सुना, बोले जिस समय ये रामायण लिखी गई थी उसमें 1,00,000 था श्लोक। कितना श्लोक था बोल जोर से बोलो, 1,00,000 उसमें श्लोक था। अब ये 1,00,000 श्लोक को लेकर के देवता दैत्य और मानव में लड़ाई, ये सबके सब बोले हमें ये ग्रंथ मिलनी चाहिए, हमें रामायण मिलनी चाहिए। बोले देखो झगड़ा करके कोई लाभ नहीं, जिसने ये ग्रंथ लिखा है चलो हम उनको पास में जाते हैं। बोले लिखने वाले कौन है, बोले शंकर जी। बोले चलो शंकर जी को पास में चलते हैं। शंकर जी बोले बैठ जाओ, झगड़ा मत करो, मैं बंटवारा कर देता हूँ। अभी उसमें कितना 1,00,000 श्लोक उन्होंने 30,000 में काट दिया। अभी कितना बच जाएगा बोलो, कुछ बोल नहीं रहे, बोलो कितना बचेगा, 10,000 बच गया। अरे 10,000 को 3,000 दे दिया, अभी कितना बचेगा, 1,000। अरे 1,000 को लेकर लड़ाई हुई, बोले हमें मिलनी चाहिए। अरे 1,000 को 300 में काट दिया, कितना बच जाएगी, कितना बचेगी बोलो जोर से, 100 को लेकर फिर लड़ाई हुई, फिर ने 30 बांट दिया, कितना बचेगा, 10 को लेकर फिर लड़ाई हुई, फिर 3 बांट दिया, कितना रहेगा, 1। देखो श्लोक पढ़े हो, एक श्लोक में 4 चरण होता है, फिर एक श्लोक को लेकर फिर लड़ाई हुई। शंकर जी फिर एक श्लोक को उन्होंने बांटा, उसमें जो 4 चरण होता है, एक चरण, फिर बच गया 1 चरण, उसको भी लेकर लड़ाई हुई। एक चरण में होता है 8 अक्षर होता है, 8 अक्षर को उन्होंने 2 अक्षर दे दिया, लास्ट में कितना अक्षर बचा, 2। शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतने परिश्रम किया है भैया, मुझे तो कुछ मिलने जाएगा, ये 2 अक्षर मुझको दे दो। शंकर जी जो 2 अक्षर को अपने गले में धारण कर लिया, वो 2 अक्षर क्या है, राम नहीं तो कृष्ण। इसलिए शंकर जी बोले पंचमुख राम नाम काम त्रिपुरा, बच्चा किसके, ये बच्चे को, बच्चे को साइड में कर दो। इसलिए कहते शंकर जी, बच्चे को उधर 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 कही, इसलिए शंकर जी ये पंचमुख में ठाकुर जी की नाम को जप करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं जोगी नाम नृप निर्मित, जितने जोगी जितने संत सबके सब एक ही सिद्धांत पर पहुंचे हैं, क्या पहुंचे, भगवान के नाम ही जीवन का सार है। अगर कलयुग में कोई व्यक्ति भगवान को पाना चाहते हैं, सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम को जप कर। आप लोग बोले भैया कौन सा नाम जप करनी चाहिए, अभी प्रश्न होगा ना, नाम तो भगवान का अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत है, फिर हमें कौन सा नाम को जप करनी चाहिए, अच्छे तरह से इसको श्रवण करो। ये भविष्य पुराण में कली संतन उपनिषद में ये सब लिखा हुआ है, कहते ये 4 युग है, कितने युग है, 4 युग है, सत्य त्रेतय द्वापर कली। बोले सत्य युग का लोग कौन सा नाम को जप करके उधार होते थे, बोले सत्य युग का जो मंत्र था, बोले नारायण परा वेदा नारायण परा मोक्षा नारायण परा गति नारायण परा मुक्ति, सत्य युग का लोग ये नाम को जप करके उनको संसार से उद्धार होता है। फिर आया त्रेतया युग, बोले त्रेतया युग में कौन सा नाम को लेकर उद्धार होते थे,
बोले राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन करके एक नाम था। अभी आया द्वापर युग, बोले द्वापर युग का लोग कौन सा नाम लेके तुमको मुक्ति मिलती थी? बोले हरे मुरारी मधुकै का भारी गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्षा। ये द्वापर युग का लोग ये नाम को लेकर के उनको उद्धारण करता। अभी आया कलयुग, अब ये कलयुग में कौन सा नाम हमको करनी चाहिए? मैं नहीं कह रहा, हम ये पुराण कह रहा। और शंकर जी पार्वती को ये बात कह रहे हैं, कहते इति षोडशक नामनम कलि कल्पसनाशन। शंकर जी कहते पार्वती इति षोडशक नामनम, ये कलयुग का जो महामंत्र है ये हरे कृष्ण सबके सब बोला हाथ उठाने की, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शंकर जी कहते हैं पार्वती ये कलयुग में जो 16 नाम और जो 32 अध्याय है कलि कल्म सनातनम, कलि का पाप यही नष्ट करने वाले। बोले ना तो परत उपाय सर्व वेदेश दृश्यते, समस्त वेद में एक ही बात कहते हैं कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र है, कलयुग में ये महामंत्र इसी से ही जीव की कल्याण होने वाला, इसलिए कलयुग का ये महामंत्र है। इसलिए कलयुग में हमें यही महामंत्र को कलयुग में हमें जप करनी चाहिए, क्यों? कलयुग का यही महामंत्र है। इसलिए भागवत का जो सार है वो ठाकुर जी का नाम ही कलयुग में ये सार है। इसलिए आप लोग सबके सब ये भगवान के नाम को जपा जरूर किया करो, ठीक है? आज हम लोग सवेरे ये हमको पास वाले गांव में गए थे, क्या गांव का नाम क्या था? दल सागर। हम लोग गए थे वहां से, कुछ आए हैं दल सागर से, कौन कौन आए हाथ उठाओ तो, दल सागर से कौन कौन आए? आज सवेरे हम लोग वहां पर गए थे, वहां पर सब वहां पर आप लोग थे ना, वहां पर दल सागर में हम गए थे, वहां पर हमने भगवान के नाम की महिमा बताए तो वहां के लोग बोले बाबा हम भी मामा जप करेंगे, हम भी भगवान के नाम का हम जप करेंगे। हमने कहा कथा में आओ, कथा में आओगे तो आप लोग को एक ही माला दे दूंगा और इसी माला में तुम सबके सब जप करोगे। ये जो पीछे बैठे हैं ना, देखो दो चार भक्त जो पीछे बैठे हैं वो वहीं से आए हैं, ये लोग माला लेने के लिए आए, बोले हम भी माला को जप करेंगे। मैंने वहां पर एक छोटी सी कथा सुनाई, एक छोटी सी स्टोरी सुनाई, जिस स्टोरी को सुन करके इनके अंदर में ज्ञान की जागृत हुई, बोले बाबा हम भी हरिनाम करेंगे। वो कहानी को मैं आपको दो बार सुनाता, आप लोग ध्यान देकर सुना अच्छे तरह से। बच्चों जितने माताएं बैठी हुई बात मत करो, ये कथा की कहानी को छोटी सी कहानी को अच्छे तरह से सुना, मैंने उसी गांव में सुनाया था, दो बार यहाँ पर कथा को सुना था, अच्छे तरह से सुन लो। ये कथा सुनाने का बाद में किसी को भी पूछ सकता हूँ, जो बोलेगा दो बार कथा को उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है? और जो नहीं सुना पाएगा बीच में कहीं करूंगा, इसलिए एक मन से सुनो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जितने सब बैठे माता है सब एक मन से सुनो, क्योंकि कथा के बाद में सबको मैं पूछूंगा, आप लोगों ने किया सुनी हो, ठीक है? अच्छे तरह सुनो बच्चों, अच्छे तरह से कथा सुना, ये कथा को याद कर लेना, दूसरों को भी ये कथा सुनाना, ठीक है? बोले देखो एक समय एक राजा में एक राजा था, जिस राजा के चार रानियां थी, कितना रानियां थी? जोर से बोलो, चार रानियां थी। जो रानी में जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी वो रानियों में सबसे देखने में सुंदर थी, इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था वो रानी को अच्छे तरह से सजा सजा करके बैठा देता था रथ में और वो दुनिया को दिखा करता था, देखो ये रानी मेरी कितनी सुंदर है। अब राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती थी, इसलिए राजा जब राज महल में आता था वो रानी को पास में बैठी करके उसको मीठा मीठा कथा सुनता था, वो बड़ा खुश होता था। राजा का जो चौथी नंबर की रानी थी है तो बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी,
लेकिन जब से राजा उसको घर में शादी करके लाए तब से वो रानी को सांप की कोई भी मतलब नहीं लगा, कभी भी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है ही नहीं, बेचारी बड़ी दुखी रहती। अभी राजा की अंतिम समय आया, मतलब मरने का समय आया, राजा देखा मेरा चार चार रानियां हैं, इनसे प्रश्न करके देखता हूँ कौन रानी कहाँ तक मेरी सच्चाती है। तो सबसे बड़ी रानी की नंबर आई, बड़ी रानी की नंबर आई, बड़ी रानी से पूछे रानी तू मेरे साथ में चलोगी? वो रानी सबसे ज्यादा धोखे धके वाली वही निकली, बोले मैं चलूंगी क्या, एक कदम भी तेरे साथ में चलने वाला नहीं। बोले क्यों, तेरे लिए मैंने जो इतना किया, बोले तेरा कर्तव्य था करना तूने किया। राजा को बड़ा दुख मिला, राजा को बड़ा दुख मिला। अभी दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन थी जो सबसे देखने में सुंदर थी, जिस पर राजा दुनिया को दिखाया करता था, देखो रानी देखो मेरी रानी कितनी सुंदरी है। जब वो सुंदर रानी से पूछा रानी तुम मेरे साथ में चलोगी, रानी बोली चलूंगी, मैं तो देख रहा हूँ तू तो मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे? बोले देख मैं कितनी सुंदरी, तू तो मेरे को पहले दुनिया को दिखा दिखा कर रहा, पहले तुमने मेरे को दुनिया को दिखाया मैं कितने सुंदर, जहां जाऊं वही मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी करूंगा। राजा तो बड़ा दुखी हो गया, ये तो दूसरे से शादी करने के लिए तैयार बैठे। अभी तीसरी से पूछा, तीसरी कौन थी, बोलो तीसरी कौन थी, जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात जिसको बोलता था। बोले तू साथ में चलोगी, लेकिन वो थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चल सकती। बोले दरवाजा तक चलना थोड़ी कोई चलना है, बोले ज्यादा बोलोगे ना वहां से चार कदम तक आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ में मैं नहीं जाऊंगी। राजा बोला भैया तू भी किसी काम की, तू भी किसी काम की नहीं। अभी चौथी नंबर की नंबर आई, चौथी नंबर कौन थी बच्चों को बोलो, चौथी नंबर कौन थी, चौथी नंबर राजा जिसको पर ध्यान नहीं देता था, कभी उसको पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, उसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखा था। हैं? जब राजा सोचा इसको पूछू कि नहीं पूछू, क्यों जिसके लिए करोगे उसको पूछ सकते हो, और जिसके लिए करोगे नहीं उसको क्या पूछोगे। राजा ने सोचा जब रानी एक बार पूछ करके देख लेगा, बोले रानी तू साथ में चलोगी? रानी बोली तेरे को शर्म नहीं लग रहा, तुम जब से मेरे को शादी घर से घर में लाए हो कभी मेरे को तुमने पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, जिंदगी में तुमको तो पूछा नहीं, और मरते समय कहते हो मेरे साथ में चलोगी। लेकिन चौथी नंबर रानी बोले देख राजा मैं तेरे को दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात यह है लेकिन तुमने मेरे तरफ में एक तरफ भी झांक करके नहीं देखा, कभी पूछा भी नहीं, भले तुमने जो कुछ किया किया लेकिन मैं तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी और दुख में मैं दुखी बनी रहूंगी। राजा बोले बड़ा आश्चर्य की बात है, जिंदगी भर जिसके लिए मैंने की वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं, और जिसके लिए कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयार। देखो ये जो कथा है ना, ये हमारे जीवन की कथा है, अच्छे तरह से कथा को समझो, माताएं सब ध्यान देकर सुनो, ये कथा अपने अपना जीवन की कथा है, ये राजा और कोई नहीं, ये राजा हम ही हैं। हमारे भी चार चार रानियां हैं, कितने कितने रानियां हैं, चार चार रानियां हैं, कहते ये चार रानियां में कौन किया इसीलिए समझो, जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को देख देकर खुश रखता था, लेकिन जब अंतिम समय में पूछा साथ में चलोगी, उसने क्या उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, नहीं, बोले तेरे साथ में एक कदम भी मैं चलने वाले नहीं हूं। कहते भैया ये कौन है जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसकी मन पसंद चीज को जिंदगी भर दे रहे हैं, लेकिन जब अंतिम समय आएगा वो एक कदम भी हमारे साथ में चलने वाले नहीं। कहते ये कौन है, किसको ज्यादा प्रेम करते हो, बोलो किसको जीवन में ज्यादा प्रेम करते हैं, बोलो भैया लोग,
किसको ज्यादा प्रेम करते हैं? यदि हम अपने आप को, अपना शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये शरीर हमें जिस समय जिस चीज की मांग करती है हम उसी समय में उसको ला ला करके देते हैं और ये शरीर को खुश रखते हैं। लेकिन जब ये शरीर छूट जाएगी, आप बताओ ये शरीर हमारे साथ में चलेगी? जब कहते ना, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, शरीर से जब परमात्मा जब चले जाए, जिस शरीर को इतने खिलाया पिलाया, लिट्टी चोखा खिलाए है, और क्या यहाँ पे दाल पूरी खिलाए, और क्या खाते चिड़वा और खिलाए, बढ़िया बढ़िया खिलाते, शरीर जिस समय जिस चीज की मांग करती है ये शरीर की इच्छा को हम पूरी करते हैं। अब बताओ अंतिम समय में क्या इस शरीर साथ में चलेगी? इसलिए बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, ये शरीर हमें साथ नहीं। बोले दूसरी रानी जो सबसे सुंदर थी, जो दूसरी रानी जो सबसे सुंदर थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने सुंदरी है। लेकिन उसने क्या उत्तर दिया? मैं तो देख रहा हूं तुम कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। जगत में सबसे सुंदरी कौन है? कहते ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। अब बोला सबसे बड़ा क्या है? रुपया। ये पैसा सबसे ज्यादा सुंदरी है, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ होगा ही, पैसा रहेगा तब तो बढ़िया घर दुकान मकान बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, देखो हमने कितने सुंदर गाड़ी में घूम रहे, कितने सुंदर मैंने मकान बनाई, इतने सुंदर हम कपड़ा पहनते हैं। लेकिन जब ये पैसा से पूछा साथ में चलोगी, लेकिन पैसा क्या उत्तर दिया? बोले मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगी, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या? ये शरीर छूटते ही ये पैसा झट दूसरे पर नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए बच्चों का कहाँ नजर रहता है? पिताजी कितने प्रॉपर्टी कहाँ पर, कितने दुकान, कितने मकान कहाँ पर किया रखा हुआ, कौन सा बैंक में कितने पैसा एटीएम में, बच्चों का वही नजर रहती है। और कभी कभी तो पिछला शरीर छोड़ने पर बच्चों में लड़ाई शुरू हो जाती है, बोले तुमको कम मिला मेरे को ज्यादा, जिसको ज्यादा किसी कम मिला है, इसलिए पैसा भी कहते थे दूसरे से शादी कर लूंगी। अभी तीसरी नंबर आई, तीसरी नंबर कौन थी? जिसका बड़ा मीठा मीठा बोली सुनकर खुश होता था, बोले ये कौन है? बोले पत्नी। हाँ पत्नी की मीठी मीठी बोली सुनकर खुश होते हैं। पत्नी से पूछा साथ में चलोगी? पत्नी कहाँ तक चलेगी? बोले दरवाजा तक। बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, बोले आगे? बोले उसका आगे तेरे साथ नहीं जाने वाला। परिवार वालों से पूछा चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया हल्दी सजाएंगे और राम नाम सत्य करते करते कहाँ स्मशान तक ले जाएंगे और वहीं जला करके वापस आ जाएंगे, तेरे साथ में आगे और नहीं जाएंगे, सब खत्म। अभी ध्यान देकर सुनो, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखा, बेकार ये किसी काम को नहीं, लेकिन अंतिम समय में वही साथ देती है। अब बताओ जीवन में हम किसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखते हैं? बोले भगवान का नाम, हरि के नाम। किसको बोलो थोड़ा हरि नाम कर ले, सब बेकार काम सब, जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही सब माला लेकर हरे कृष्णा जप करता, हमारे बहुत सारे काम है, लोग तो ना बैठ करके बिना करने गप्पे घंटे घंटे तक गप्पे मारते रहते, घंटे घंटे तक गप्पे मारते हैं बिना कारण की, कोई बात नहीं, पता नहीं कैसे घंटे घंटे बिक जाती है। बोलो थोड़ा सा हरि नाम कर, बोले समय क्या हमारे पास, हमारे पास समय क्या, हमारे पास कोई समय नहीं, लेकिन अंतिम समय में कोई हरि का नाम ही काम में जाएगा। इसलिए अंतिम समय में वही राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य करते करते ले जाते हैं। बोले जीवन में जितने तुमने हरि का नाम लिया, जितने गोपाल नाम लिया, केवल वही तेरे साथ में जा रहे हैं और सबको झूठा है, और सबके सब दुनिया में झूठा है। इसलिए पिता कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अमर
तो ये विराट के बने हैं, विराट कहते हैं पायो जी मैंने, मतलब मैंने पाया है, मतलब जीवन में क्या पाया है, बोले राम रतन जन पायो, जितने भगवान के नाम को जप किया वही पाया, और जगत में सब ही भवायो, जगत में सब कुछ गया है, और यही धन ही जीवन में हमारी काम में आती है। इसलिए क्या करने चाहिए, जीवन में हरि की नाम का हमें जप करनी चाहिए। इसलिए अभी हरे कृष्णा, हाँ इधर देखो, जो व्यक्ति प्रभु का माला जप करना चाहते हैं, आपका हम एक एक माला देकर के जाएंगे। आप लोग कोशिश करना भगवान के नाम जप करने के लिए। कल मैंने सुनाया था ना, महाप्रभु को भक्तों ने जब निमंत्रण दिया, प्रभु हमारे घर में भोजन है, महाप्रभु क्या बोले, किसको घर में भोजन करेंगे, बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में भोजन करेंगे। बोले असली लखपति कौन है, बोले 1,00,000 जो ठाकुर का नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए विराट कहती है जिन जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी कंगाल। इसलिए आप लोग जो भगवान की माला जप करना चाहते हैं, आपको एक ही माला दूंगा, आप लोग घर में बैठ बैठ करके भगवान की माला को जप करना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पहले हम एक माला जप करेंगे, उसके बाद में जिसकी इच्छा हो माला जप करने के लिए एक ही माला दे जाएगा, ठीक है। माला कहाँ ले जाओ, तो बच्चों को बांट दो, खड़े हो जाए बांट के पास, हो गया हट जाओ। हाँ जैसे ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके इसमें एक ही मोती सरकेगा, ठीक है। पर जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, दो मोती सरकेगा। देख इधर सुना बच्चों, जिनको माला नहीं मिली है ना, आप लोग मेरे साथ में करो, आपको फल मिलेगा, ठीक है। आप लोग मेरे साथ में करना, सबके सब बोलना, क्योंकि जो बोलेगा उसको पाप तो उड़ जाएगी, लेकिन उड़ करके कहाँ बैठेगा जो नहीं बोलेगा। इसलिए सबके सब बोलना मेरे साथ में, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ पूरी हो गई ना माला हाँ सबके सब माला वापस दे दो कोई लेना नहीं जो लेना यहाँ से मैं दूंगा फिर आप लोग लेना हाँ देखो माला जप करने का नियम है जो अभी प्रभु जी बता रहे थे ना गले में तुलसी कंडी पहननी चाहिए तिलक लगानी चाहिए भगवान की माला जप करनी चाहिए ये जो माला आपको दिया है ना ये माला ये तुलसी माला नहीं ये नीम की माला है ये तुलसी माला हम देते हैं किसको जप करने के लिए लेकिन जब कोई व्यक्ति चार नियम का पालन करता है पहला नंबर जुआ नहीं खेले दूसरा नंबर कोई नस्ली वस्तु पान बीड़ सिगरेट अपने गांजा भांग शराब नहीं लिए तीसरा नियम है
अभय के रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री से नहीं मिले, संसार करो पति पत्नी मिल करके घर गृहस्थी करो। बगैर शादी के जो लड़का लड़की अभय के रूप में मिलते हैं वहां पर भी पाप का स्थान। और चौथा नंबर है, हमें किसी तरह का हमें चीन हिंसा नहीं करनी चाहिए, मांस मछली अंडा और ये प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए। जब कोई व्यक्ति, आप लोग तो लगता है आप लोग कोई गंदा, आप लोग पूरा का पूरा फ्री हो, कोई गंदा काम करते नहीं, लगता है कोई प्याज लहसुन घर में खाते हो, खाते हो प्याज लहसुन? कौन कौन खाते हो? सही सही बोलो, कौन कौन खाते? हाँ कौन कौन खाते? कोई खाते नहीं ना? ए बाबा रे, आप लोगों के लिए ताली बजाओ। सचमुच आप लोग ब्राह्मण हो, प्याज लहसुन खाते नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात है, प्याज लहसुन नहीं खाते, अच्छी बात है। इसलिए ये आप लोग जो माला है ना, सब सब माला ले जाओ, हरे कृष्णा सब माला ले आओ। जो माला जब करना चाहेगा मैं दूंगा, फिर से मेरे से ले लेना, इधर से माला वापस दे दो। जाओ हरे कृष्णा, सब वापस माला ले आओ। प्रभु जी कल कितने बजे का था? हरे कृष्णा। हाँ एक अनाउंसमेंट है, देखो कल ये कथा का अंतिम दिन है, कल जो कथा होगी सवेरे 9 से लेकर के 12 बजे तक कथा होगी। इसलिए कल सवेरे ये प्रोग्राम है, ये 9 से ये 12 बजे तक ये कथा होगी। अब सबके सब को निमंत्रण है, सबके सब आप आइएगा, कथा सुनिएगा और प्रसाद पाकर भी जा सकते। हरे कृष्णा। हाँ कौन माला जप करेगा? इधर आओ मैं दे देता हूँ। कौन माला जप करेगा? हरे कृष्णा। हाथ उठा कौन माला जप करना चाहते? हाथ उठा। आज तुम लोग आ जाओ, जो पीछे जो बैठे हो, जो दूसरे गांव से आए ना, जिनको घर में हम सवेरे गए थे, किसको घर में गए थे सवेरे? कौन सा गांव? दल सागर। दल सागर। दल सागर वाले कहाँ है? दल सागर वाले। आज जिसको इच्छा होगा माला जप करने का, सब एक एक माला ले लेना, सबके सब माला जप करना। माता में कोई हरिनाम करना चाहते हो? कौन हरिनाम करना चाहते हो? हाथ उठाओ तो। हाथ उठा, कोई हाथ नहीं उठाया, क्या चक्कर है? ठीक है, ये कीर्तन के बाद में जो इच्छा होगी हम माला जप करना, माला ले लेना, ये नीम की माला, इसमें प्रैक्टिस करते रहना। जब आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपको तुलसी माला देंगे, फिर गले में कंठी, फिर तिलक तभी देते हैं जब अच्छे तरह से पूरा प्रैक्टिस। लेकिन ये जो माला है इसमें कोई नियम नहीं, अब ये माला में अब हरिनाम कर सकते हो, इसमें कोई नियम नहीं है। ठीक है, जिसकी इच्छा है अब लोग माला लेकर जब कर सकते हो। एक बार सब सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक भजन गाएंगे, जो नाचने वाले भजन सब खड़े हो जाओ। Shut up.
कीर्तन करने के लिए देश नहीं विदेशों में भी जाते हैं, लेकिन आप जैसे महान भक्त कहीं नहीं मिले। जो कि महाराज जी ने बोल लिया, हमने बोल लिया, आप मान के आपको आप पक्के जो है ताड़का के भतीजे भतीजी हैं। जय हो। कम से कम शरीर हिला थोड़ा नाचने चाहिए ठाकुर का कीर्तन में। हाँ, थोड़ा नाच लो भगवान का कीर्तन में।